साफ कैसे होंगे? परमेश्वर के लहू के द्वारा साफ होंगे, उसकी उपस्थिति के साथ साफ होंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहेंगे तब साफ होंगे। कहते हैं ना, जब बर्तन को छोड़ देते हैं तो क्या जम जाती है उसके अंदर? तो बर्तन ही मांस है, क्या जम जाती है सिस्टर? काई। पहले रसोइयों में काम करती है सारी, अब बर्तन को छोड़ देते हो धोते तो क्या हो जाता है बर्तन में? काई जम जाती है, बदबू आने लगती है, क्योंकि आपने साफ नहीं किया। तो हर दिन आपको साफ करना है अपने बर्तन को। आप सोचो कि चलो भाई संडे में जाके साफ करेंगे बर्तन को, छह दिन तो गंदा कर लिया, सातवें दिन साफ कर लेंगे, छह दिन का सारा काई वाई सब निकाल लेंगे एक दिन में। ऐसा होगा क्या? बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा आपको? हर दिन साफ करना पड़ेगा, हर दिन नहाना होता है, हर दिन ब्रश करना होता है। उसी तरीके से प्रार्थना भी आपके लिए हर दिन जरूरत है, हर दिन परमेश्वर के सम्मुख जाना जरूरत है, ताकि वो आपके शरीर को, जैसे आप साफ करने के लिए साबुन का शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, तो आत्मा की सफाई के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है, उसका लहू है, यीशु का लहू हमें साफ करता है। बोलो, यीशु का लहू हमें साफ करता है।